पांच मिनट में सीएम योगी ने लिया ऐसा फैसला कि कानपुर को कश्मीर बनाने वालों को खोदकर बिल से निकाल लिया गया। कानपुर में पत्थरबाजों को पुलिस संभाल रही थी, इधर आदेश मिलने के बाद लखनऊ से निकल पड़ा वो सिंघम ऑफिसर जो कर चुका है 100 से ज्यादा एनकाउंटर। डेडलाइन 24 घंटे की थी लेकिन तस्वीर 10 घंटे में ही बदल गई। कानपुर के जिस बिकनगंज इलाके में पत्थरबाजी और हिंसा हो रही थी, यहां से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर परौंख गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ एक साथ थे। राष्ट्रपति और पीएम मोदी के दौरे से पहले ही सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ खुद एक दिन पहले कानपुर जाकर सुरक्षा देखकर आए थे लेकिन योगी बिकनगंज में पल रही साजिश से अनजान रह गए। योगी मंच पर थे, इसी दौरान एक फोन बड़े अधिकारी के पास आता है। ये अधिकारी सुनकर परेशान हो जाता है और सीएम योगी के पास जाकर बताता है पूरी कहानी। सुनने के बाद योगी गुस्से में आ जाते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल करते हैं। योगी समझ चुके थे कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, इसलिए इसका अंजाम भी उसी तरह से होना चाहिए। कानपुर हिंसा मामले की जिम्मेदारी योगी ने जिस फौलादी आईपीएस ऑफिसर को दी है वो अब तक 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुका है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा का नाम सुनकर ही अपराधी और पत्थरबाज सदमे में आ जाते हैं। हिंसा भड़काने के बाद मास्टरमाइंड हयात जफर भागकर लखनऊ आ गया था। यहाँ यूट्यूब चैनल चलाने वाले जावेद अहमद के दफ्तर में छिपा था जहाँ से दबोच लिया गया है। पुलिस ने पहली एफआईआर में हयात समेत 36 पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। दूसरी रिपोर्ट में 350 और तीसरी में हजारों अज्ञात लोगों की भीड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक जो लिंक मिल रहे हैं उसके मुताबिक पीएफआई ने हिंसा फैलाने के लिए कुछ फंडिंग भी की थी, इसीलिए आरोपियों के बैंक अकाउंट की भी जांच होगी। बंगाल और कश्मीर से भी इसके तार जुड़े होने के सुराग मिल रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि योगी ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ने के लिए टारगेट दिया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा इससे भी आगे निकले और 10 घंटे में मास्टरमाइंड हयात जफर सहित दर्जनों को दबोच लिया। जो बचे हैं उन्हें भी चुन चुन कर खोजा जा रहा है, लेकिन आगे अब क्या होने वाला है इसे भी समझिए। योगी ने शनिवार को ही कह दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति भी जब्त होगी। दंगाइयों पर एनएसए लगाने के लिए भी सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। ये पत्थरबाज भूल गए थे कि कश्मीर और दिल्ली नहीं, ये कानपुर है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, हाथ पर पत्थर उठाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। पत्थरबाजों के बाजारों में पोस्टर लगेंगे, लोगों से पहचान कराई जाएगी ताकि लोग खुद पहचान कर पुलिस को जानकारी दे सके। बुलडोजर भी तैयार कर दिए गए हैं, जांच होने के बाद इनके घरों पर भी बुलडोजर चलेंगे और संपत्ति भी जब्त होगी। हिंसा के दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया था, अब पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। बिकनगंज में इस वक्त 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा बारीकी से हिंसा की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की 10 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं जो छुपे हुए पत्थरबाजों को खोज कर बिलों से निकाल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, कानपुर कांड को अंजाम देने वालों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? आप अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।